दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Realme 11 Pro Plus 5G और Honor 90 5G फोन का बारे में। ये दोनों फोन का फुल कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, क्या अंतर है दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन में। अगर आप ये दोनों फोन का बारे में पूरा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बना रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। दोनों फोन में सेम डिस्प्ले मिल जाता है। दोनों फोन में जो डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। दोनों फोन में नॉच नहीं थे, छोटा सा 5 सेंटर में दिया गया है। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। दोनों फोन में 3D कोव डिस्प्ले मिल जाता है, कोव डिस्प्ले दिया गया है। Honor 90 फोन में इसमें क्वेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, सामने भी आपको कोव डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा ही आपका डिस्प्ले बेटर रहेगा Honor 90 फोन का। या दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया कैमरा भी मिल जाता है। Realme 11 Pro Plus 5G फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया, जो प्राइमरी सेंसर है 200 मेगापिक्सल का F1.9 अपर्चर का साथ में दिया गया है, साथ में OIS मिल जाता है। और जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा ऑप्टिकल सेंसर दिया गया, जो टाइट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। जो सेल्फी कैमरा का बात करें तो ये फोन में 32 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी कैमरा दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो Honor 90 5G फोन, इसमें भी ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है, जो प्राइमरी सेंसर है 200 मेगापिक्सल का F1.9 अपर्चर का साथ में देखने को मिल जाता है। इसमें OIS नहीं दिया, इसमें EIS देखने को मिल जाता है। ये फोन का जो सेकेंडरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा ऑप्टिकल सेंसर दिया गया, जो टाइट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। सेल्फी कैमरा का बात करें तो ये फोन में 50 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा में यहाँ पे बाजी मार लेता है Honor 90 5G फोन। रियर कैमरा यहाँ पे थोड़ा बेटर रहेगा Realme का फोन का, क्योंकि इसमें OIS मिल जाता है। ये दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो Realme 11 Pro Plus फोन में MediaTek का प्रोसेसर दिया गया है। MediaTek Dimensity 7050 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.6 क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो मान लीजिए 68 MC4 जीपीयू मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो जो Honor 90 फोन है इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.5 GHz क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो Adreno 644 जीपीयू मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है फोन नंबर का प्रोसेसर है, फोन नंबर पर आधारित है। यहाँ पे बात करें तो Dimensity 7050 प्रोसेसर ये 6 नंबर का प्रोसेसर है, 6 नंबर पर आधारित है। तो परफॉर्मेंस में ये भी विनर बन जाता है Honor 90 5G फोन। इसमें परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो दोनों फोन में Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। Realme का फोन में Realme UI दिया गया है और जो Honor का फोन है इसमें Magic OS 7.1 देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन का वारंट का बात करें तो दोनों फोन आपको सिमिलर वारंट पर देखने को मिल जाता है। जो बेस्ट वारंटी है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और जो हायर मिड वारंटी है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जो हायर वारंटी है जो Honor का फोन होगा 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, और जो Realme का फोन है 12GB रैम 1TB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते हैं। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh का बैटरी मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो फास्ट चार्जिंग पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो Realme का फोन है इसमें 100W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, और जो Honor का फोन है इसमें 66W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। दोनों फोन का USB कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में USB Type-C 2.0 मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दोनों फोन में मिल जाता है। दोनों फोन में 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और फेस अनलॉक दिया गया है। दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन मिल जाता है। ग्लासिक फिनिशिंग के साथ आता है या पे Honor 90 फोन। ये फोन में आपको बढ़िया डिजाइन मिल जाता है, ग्लासिक फिनिशिंग के साथ आता है, और क्वेड कर्व डिस्प्ले
देखने को मिल जाते हैं, तो काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन देखने को मिलेगा। ये ग्लास पैक के साथ आता है, बढ़िया डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो जो रियलमी 11 प्रो प्लस फोन है, ये फोन भी काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन के साथ आता है। ये फोन में आपको लेदर वॉरंट भी देखने को मिल जाता है, लेदर वॉरंट के साथ आता है, लेदर बैग दिया गया, काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन इसमें भी मिल जाता है। तो दोनों फोन में बढ़िया डिजाइन दिया गया है। दोनों फोन के सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में डुअल 5G सिम सपोर्ट मिल जाते हैं, दो 5G सिम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। दोनों फोन का जो कनेक्टिविटी है, सभी कनेक्टिविटी आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाता है, दोनों फोन में NFC भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन का प्राइस का। रियलमी 11 प्रो प्लस 5G फोन, ये फोन अभी दो ही वेरिएंट पर अवेलेबल है। जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ये फोन का प्राइस है 27,999 रुपीस पर आता है। जो हायर वेरिएंट है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ये फोन का प्राइस है 29,999 रुपीस पर आता है। यहाँ पे बात करें तो जो होना 95G फोन है, ये फोन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, तो ये फोन का कंफर्म प्राइस मैं नहीं बता सकता हूँ। ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 14 सितंबर को ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, तो लॉन्च होने के बाद ही इसका कंफर्म प्राइस बता सकते हैं। तो अभी मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, और इससे कम प्राइस पर भी आ सकता है। ये फोन का जो बेस वेरिएंट होगा 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, ये फोन का प्राइस होने वाला है इस एलेक्स का थ्रू पता चल रहा है 29,999 रुपीस पर आएगा। और जो हायर वेरिएंट होगा ये 33,000 या फिर 32,000 रुपीस पर देखने को मिलेगा। तो मुझे जहां से लग रहा है ये फोन का प्राइस अभी और कम होने वाला है, 25,000 या 26,000-27,000 से स्टार्टिंग होने वाला है। अगर ये फोन का प्राइस 30,000 से स्टार्टिंग हुआ तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा स्पेसिफिकेशन का हिसाब से। आप बात कर लेते हैं दोनों फोन का कंफ्यूज का, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, दो तीन चीज पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि Realme 11 Pro Plus 5G फोन में इसमें दो तीन चीज बढ़िया मिल जाता है। जैसे कि इसमें जो रियर कैमरा में वॉइस मिल जाता है, इसमें आपको लेदर बैग डिजाइन देखने को मिल जाता है, इसमें फास्ट चार्जर दिया गया 100 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। ये दो तीन चीज बढ़िया मिल जाता है रियलमी का फोन में। यहाँ पे बात करें तो होना 95G फोन, इसमें भी दो तीन चीज बढ़िया मिल जाएगा। जैसे कि इसमें जो सेल्फी कैमरा है आपको काफी अच्छा बढ़िया 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसका जो डिस्प्ले है क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया गया, चारों तरफ से कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया गया है। और इसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा लाइटली बेटर देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर होने वाला इस फोन में। तो ये दो तीन चीज बढ़िया इस फोन में देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें वॉइस देखने को नहीं मिलता है। अभी लिक्स का थ्रू पता चला वॉइस नहीं होने वाला ये फोन में, हो सकता है वॉइस दिया जाए। अगर वॉइस दिया जाए तो ये काफी अच्छा बढ़िया फोन रहेगा इस प्राइस रेंज पर। इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होने वाला, अगर ये फोन का प्राइस थोड़ा कम रहा या फिर दोनों फोन सेम प्राइस पर अवेलेबल हुआ तो ये पर ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन में से किसी भी एक फोन आप परचेज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आपको रियर कैमरा थोड़ा बेटर चाहिए, वॉइस रियर कैमरा चाहिए और फास्ट चार्जर चाहिए, लेदर बैग डिजाइन चाहिए, तो आप ये पर जा सकते हैं रियलमी का फोन की तरफ। अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ा लाइटली बेटर चाहिए, थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप यह पर जा सकते हैं जो होनर का फोन है, होनर का फोन के लिए वेट कर सकते हैं। ये फोन काफी अच्छा बढ़िया रहेगा परफॉर्मेंस के लिए, और इसमें क्वाड कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन की तरफ आप जाना चाहोगे, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए, और हो सके तो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा इसे ही मिलते रहे। चलिए सब वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।